गिरिपार का मुद्दा प्रभावशाली ढंग से केंद्र सरकार के समक्ष उठाने के लिए हाटी समिति ने किया सीएम का धन्यवाद। समिति ने सिरमौर कल्याण मंच के कार्यक्रम के दौरान भी मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया गिरिपार को जनजातीय दर्जा देने का मुद्दा। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा दिए जाने का मुद्दा प्रभावशाली ढंग से केंद्र सरकार के समक्ष उठाने के लिए हाटी समिति ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद किया। केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अमी चंद कमल तथा संगड़ा इकाई के पदाधिकारियों ने यहाँ जारी बयान में कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा गिरिपार को जनजातीय दर्जा दिए जाने का मुद्दा गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा नेता राजनाथ सिंह तथा केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावशाली ढंग से उठाया गया। आज सिरमौर कल्याण मंच द्वारा सोलन में आयोजित एक समारोह के दौरान भी हाटी समिति द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा देने का मुद्दा उठाया गया। गौरतलब है कि विकासखंड संगड़ा, शिलाई तथा राजगढ़ सहित गिरिपार क्षेत्र की 130 के करीब पंचायतों के लोगों द्वारा 1960 के दशक से क्षेत्र को जनजातीय घोषित किए जाने की मांग की जा रही है। राजनाथ सिंह जी से भी मिले, उनसे भी मिले बार बार, और हमने अमित शाह जी से भी मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बात की। संगड़ाह में बस स्टैंड निर्माण लंबित होने से सैकड़ों यात्रियों तथा आम लोगों को झेलनी पड़ रही है परेशानी। 3 साल से केवल सरकारी फाइलों में ही बन रहा है बस अड्डा। नागरिक उपमंडल मुख्यालय संगड़ाह में पिछले 3 साल से बस स्टैंड का निर्माण केवल सरकारी फाइलों में ही होने अथवा यहां बस स्टैंड तैयार न होने के चलते सैकड़ों यात्रियों, आम लोगों व दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल सरकार के परिवहन मंत्री की घोषणा के मुताबिक यहां बस स्टैंड निर्माण के लिए 20 लाख के शुरुआती बजट तथा जमीन का भी प्रावधान हो चुका है, मगर तकनीकी अड़चनों के चलते निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो सका। 4 जून 2018 को जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के संगड़ा प्रवास के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा वहाँ बस अड्डा निर्माण की मांग की गई थी, जिसके बाद जमीन ट्रांसफर किए जाने संबंधी औपचारिकताएँ पूरी की गई। 18 मई 2018 को SDM संगड़ाहा, RM नाहन, तहसीलदार तथा BDO संगड़ाह आदि अधिकारियों की मौजूदगी में यहां ग्रामीण विकास विभाग की जमीन को परिवहन निगम के निदेशक के नाम ट्रांसफर किए जाने संबंधी औपचारिकताएं पूरी की गई। साथ लगते गांव पाउरा के ग्रामीण द्वारा बस अड्डे के लिए प्रस्तावित जमीन पर कुछ हिस्सा उनका होने संबंधी दावा किए जाने के बाद हालांकि संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा उनकी जमीन छोड़कर अन्य जमीन HRTC को ट्रांसफर किए जाने संबंधी औपचारिकताएं पूरी की गई, मगर गत फरवरी माह में HRTC के अधिशासी अभियंता द्वारा बस स्टैंड के लिए चयनित जमीन को ढलानदार तथा साथ लगती सड़क को तंग बताकर इस जमीन पर फिर से ऑब्जेक्शन लगाया गया। स्थानीय भाजपाइयों के मुताबिक विपक्षी दलों के नेताओं के इशारे पर कुछ अधिकारी अथवा कर्मचारी यहां बस स्टैंड निर्माण में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता बलबीर चौहान ने कहा कि वह संगड़ा में बस स्टैंड निर्माण को लेकर परिवहन मंत्री से बात कर चुका है तथा मौजूद जमीन के मुताबिक यहां बहुमंजिला बस स्टैंड भवन तैयार करने की प्रपोजल तथा दोबारा यहां टेक्निकल टीम भेजने का आग्रह किया गया है। गौरतलब है कि यहां मौजूद अस्थायी बस स्टैंड में आधा दर्जन से ज्यादा बसें खड़ी करने की जगह नहीं है और कई बार बसों के लिए निर्धारित जगह पर अन्य गाड़ियां खड़ी होने पर सवारियों तथा चालकों को परेशानी झेलनी पड़ती है।